क्या नाम है चाचा? मुन्ना सनोवर खान। खान साहब, क्या लग रहा है ये जो बैठक हुई इंडिया की, इसमें दम है कि नहीं? बिल्कुल दम है, दम ही दम है, बिल्कुल दम ही दम है। घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, घबरा गई, बिल्कुल घबरा गई, घबरा गई है। नए नए प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करें क्या करें, कैसे जो है कि इस गंज बंदर में जो है कि दरार डाले, छेद डाले, और कैसे फिर से जो है राजनीति में आए, लेकिन नामुमकिन है, नामुमकिन है। मोदी मोदी आना इस बार, बात मोदी जी की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी अब नामुमकिन है। आप लोग मोदी जी पे क्यों प्रहार करते हैं? मोदी जी नहीं, मोदी तो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री देखो प्रधानमंत्री है, लेकिन यहाँ पार्टी और दल का चुनाव हो रहा है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चल रही है पिछले 10 सालों से, आने वाले दिनों में गठबंधन की कांग्रेस की सरकार होगी। लेकिन अब कहा जा रहा है मोदी सरकार की ओर से एक देश एक चुनाव कराएंगे। देखिए 1951 से 1968 तक एक देश एक चुनाव होता रहा, लेकिन एक देश एक चुनाव का मुद्दा ये है कि हमारे पास 28 से ज़्यादा राज्य हैं। उन राज्यों में यदि सरकार गिरती है तो क्या पूर्ण रूप से सारे चुनाव होंगे या उसी राज्य के होंगे? नहीं, राज्यों के और केंद्र वाला चुनाव एक ही बार में होगा। देखिए जब राज्यों और केंद्र का चुनाव एक बार हो जाएगा, ये प्रक्रिया चलेगी, तो आप बताइए कि राज्यों की जब सरकारें गिरेंगी तो क्या फिर से टोटल चुनाव होगा केंद्र और राज्यों का या उसी राज्य का होगा? तो कहा जा रहा है मोदी जी डर गए, लग रहा है कि मतलब कि ये विपक्षी है। बात मोदी जी के डरने की नहीं, बार बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी क्यों डरेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी में डर और खलबली है, मोदी जी क्यों डरेंगे? खलबली है, बिल्कुल खलबली है, खलबली है। देखिए अभी संसद बुलाया गया स्पेशल, अब देखिए उसमें क्या होता है, क्या निर्णय होते हैं, क्या योजनाएं बनती है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन खलबली है तभी तो इतना शोर है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहे जिस वजह से खलबली हो रही है, क्या क्या ऐसा इस सरकार में कमियाँ रही? देखिए इस सरकार में कमी ये रही कि इस सरकार ने आम जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ये सरकार खास जनता की रही, खास लोगों की रही, और खास लोगों को ही इस सरकार से फायदा हुआ, आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। बस खास मतलब कि किस तरीके के खास? बड़े पैसे वाले, बड़े जो है मैन्युफैक्चर, बड़े कारपोरेट, बड़े घराने, फायदा उनको हुआ, गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों को तो चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है, गरीबों का फायदा क्या होगा? आज भी गरीब जो है ना स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए भटक रहे हैं आज भी। जैसे राहुल गांधी ने आज कहा कि मोदी जी ने अडानी को दे रखा है, भ्रष्टाचार बहुत कर रखा है, बिल्कुल सारा देश, सारा देश का जो है ना संसाधन आज अडानी के पास में। हम लोगों ने भारत सरकार को चुना, भारत सरकार भारत की जनता के लिए होती है, लेकिन आज देश के 90% जो संसाधन है ना उस पे इकलौता अडानी का कब्जा है, अंबानी का कब्जा है। कौन से संसाधन पर कब्जा उसका? ये देखो देश में किस संसाधन पर कब्जा है? नमक से लेकर जहाज तक पे अडानी अंबानी समूह का कब्जा है। छोटे छोटे जो व्यापारी दुकानदार थे ना, बनिए थे ना मोहल्ले के, खत्म हो गए सब, पैकिंग पैकिंग आ रहा है, सब पैकिंग आ रहा है। मुझे क्या एयर इंडिया, बिल्कुल अडानी को दे दिया गया, अरे कब्जा है, कब्जा, सुनो सुनो, कब्जा दे दिया गया। इनको ये तकलीफ हो रही है कि यहाँ पर बम क्यों नहीं फट रहा है, भारत सरकार दिक्कत ही इनको की, अबे अबे बम क्यों नहीं फट रहा है यहाँ पर, ये दिक्कत हो रही है इनको सबसे ज्यादा कि यहाँ पर बम फट, हाँ इनको नहीं, बिल्कुल नहीं, आप चाहते हो, हम नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं, क्यों चाहेंगे? क्यों फटता था पहले, क्यों फटता था जानो 14 पहले बता दो ना मुझे, क्यों फटता था ये बताओ ना मुझे, अब क्यों नहीं फट रहा है? क्यों फटता था? हाँ तो जो सरकारों सी थी वो सरकारों का सह था उस पर तब फटता था, आज सरकार का सह नहीं है इसलिए नहीं पट रहा है। गठबंधन से डर गई, अरे गठबंधन क्या भाड़ में, आठ महीने पुलवामा था, जवान शहीद हो गए, उसके घर में जाके मारा साले को, उसके घर में मारा साले को जाके मारा ना उसको जाके, लेकिन हमारे यहाँ होता तो नहीं मार पाता था, वही सरकार थी नहीं मार पाती थी। बम्बई मित्रा पर हमला हुआ था, क्या उखाड़ लिया था कांग्रेस ने? लालू यादव कह रहे हैं मोदी को हरा के दम ले, जो आदमी उल्टा भैंस पर बैठ के आता था वो क्या हराएगा, छोड़ दो सजा याफ्ता आदमी क्या हराएगा, वो अपने बेटे को बचा लेना वही बहुत बड़ी बात है, अपने बेटे को बचा लेना वही बहुत बहुत बड़ी बात होगी। कह रहे हैं ये डर से है, गोरखपुर से है, गोरखपुर के, हाँ
अच्छा भैया एक मिनट अच्छा कह रहे हैं कि अरे भैया इधर सुनिए मेरी बात, आपका लॉ ऑर्डर कहाँ है? यूपी का लॉ ऑर्डर बताइए ना कहाँ है? यूपी कहाँ है आपकी? नहीं, अरे खराब क्यों आ गए सत्ता में दोबारा? बहुत बढ़िया लॉ ऑर्डर सर। अरे जाएंगे तुम्हारे जैसे कहने जाएंगे, तुम्हारे कहने जाएंगे, हम लाने वाले चले जाएंगे, इस बार मारा भी चले, तीसरी बार भी जाएंगे। बहुत है ना, समझे, देश का 40 करोड़ भारतीयों का है, किसी के इकलौते बाप की जो बपौती नहीं है, हाँ, जो ये बपौती बना रहे हैं, किसी के बाप की बपौती ये देश नहीं है। ये देश 140 करोड़ भारतीयों का है, उस भारतीयों में कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बार बदलाव के मूड में है ये 40 करोड़ की जनता। अरे यार बदलाव समय की प्रकृति की मांग रही है, बदलाव हमेशा आता रहा है। कांग्रेस का शासन था, बीजेपी का आया, बीजेपी की शासन जाएगी, कांग्रेस की आएगी। बदलाव तो नियति है, बदलाव नियति है, बदलाव को तो स्वीकार करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? अरे मैंने कहा गठबंधन में, सुनो, गठबंधन में चेहरों की कमी नहीं है, चेहरों की कमी नहीं है। आप प्रधानमंत्री चुन लो ना, हम तो सांसद चुनते हैं, वो सांसद मिल के प्रधानमंत्री चुनेंगे। कह रहे प्रधानमंत्री की कमी नहीं है विपक्ष, कमी नहीं है। सुनो सुनो, ऐसा है, इनके क्या रहा 24 लोगे? नहीं, इनके इनके सपने में भाजपा जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी, अब तुम्हारे सपने में जाएगी, क्योंकि 60 साल में तुम्हारे दिमाग में कांग्रेसियों नेहरू परिवार। चुप ले लो, क्या चुप ले लो, झूठ बोल बोल के जहर घुसेड़ दिया है, वो तुम्हारा निकलना नहीं है। जो बीजेपी ने कर दिया तुम्हारे लिए, वो कोई ना करेगा ना करने वाला, लेकिन बीजेपी को ये 80% लोगों की पार्टी है, कब तक हारेगी ये? 80% लोगों की पार्टी है, हम 50% वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे। कितना अच्छा काम हो रहा है, एक देश एक चुनाव, इससे कितना बड़ा गरीबों का भला होगा देश का, कितना पैसा बचेगा पता है? अरबों रुपए बचेगा। बाग में लगा लो, और सुनो ओबीसी की रैली में लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, खाएंगे हिंदुस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनकी अकल है, अकल नाम की चीज नहीं है किसी बात की। डरे हुए तानाशाही, सवालों का जवाब नहीं है, सवालों का जवाब नहीं है। 80-20 पे आ गए पाकिस्तान जिंदाबाद पे। अरे कह रहे हैं कि ये मतलब कि डर गए हैं, अब ये जो चुनाव आ रहा है वन इलेक्शन की बात इस वजह से कही जा रही है कि ये इंडिया जो अलायंस बचा है इसकी वजह से डर है। ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए अपने परिवार के लिए तो कुछ किया नहीं, उनका तो 140 करोड़ परिवार है, तो वो किसी तरीके से देश को गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं। अब इनको नहीं समझ में आता तो ये जो गठबंधन बना, हमारे चलो हमारे महाराज जी है पूजनी है योगी आदित्यनाथ जी, उनके यहाँ 96 रुपये लीटर पेट्रोल है, और राजस्थान में 108 रुपये लीटर पेट्रोल है, ले हम 300 का सिलेंडर दे देते हैं, 108 रुपये पेट्रोल खरीदोगे ईपी में? ऐसे कांग्रेसियों ने चूतिया बनाया नेहरू परिवार ने। अगर तुम नहीं थी गरीबों के लिए 4 करोड़ लोगों को मकान बना दिए, 20 करोड़ लोगों के यहाँ शौचालय बना दिए, 20 करोड़ को गैस सिलेंडर दे दिए, पूरे देश के हाईवे बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे, गटर के किनारे लोग। अरे योगी जी 80-20 वाली बात कर, वो गटर के किनारे तो वो सोएंगे ही, जब अकल से काम नहीं करेंगे तो। चाचा आप ये बताइए क्या लग रहा है 24 में क्या होगा इस बार? 24 में 333 बीजेपी पार करेगी, और 405 पे एनडीए पहुंचेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, एक सीट कम नहीं होगी। कितनी आ रही है पास, कितनी आ रही है इंडिया की? 405। और ये इंडिया जो गठबंधन, ये तो चोरों का गठबंधन है, गठबंधन है, चोर है ये तो, ये सारे वंशवादी देसी अंग्रेज हैं। पहले वो 850 साल मुसलमानों का राज चला, सुनो, और 150, और ये जो है ये पहले, फिर 190 साल अंग्रेजों ने राज किया, अब ये भारतीय अंग्रेज राज कर रहे हैं। इनमें एक नेहरू परिवार है, उनने देश को बर्बाद किया है, हिंदू मुस्लिम पूरा उन्हीं ने फैलाया, भारत जोड़ने निकला है, केमिकल ले लिया था साथ में, ऐसे ही मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलता है, जबकि हमारे मुसलमान भाई ऐसे नहीं है, क्योंकि ये अपने दिमाग से नहीं सोचते। हम लद्दाख गए थे तो चीन वहाँ पे कब्जा किया है जमीन, वो इसीलिए जाता है, वो इसीलिए जाता है कि कुछ उसको मीडिया में बना रहना है बात।
अरे की अंग्रेज मुक्त नहीं करा पाए कांग्रेस से, तो मोदी जी क्या मुक्त कराएंगे राहुल गांधी? अंग्रेज नहीं मुक्त करा पाए तो मोदी जी क्या कांग्रेस? अंग्रेज मुक्त तो अभी हुई नहीं, कांग्रेस जिस दिन नेहरू परिवार मुक्त हो जाएगा उस दिन अंग्रेज मुक्त भारत होगा। तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हें, अरे तुम्हें, आज तुम सांस ले रहे हो हवा में, नेहरू परिवार की देन है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए? प्रधानमंत्री गठबंधन में बनेगा, कोई बनेगा, पचासों चेहरे कोई ना कोई बनेगा, गठबंधन में बनेगा, समझ गए? यहाँ हमने अंधभक्ति का वैक्सीन थोड़ी लगवा रखा है कि अंधभक्ति में जो चाहे बोले। देश की जो सच्चाई हकीकत है देखनी है तो जा करके सरकारी अस्पताल में देखो कि क्या स्थिति है। हम अंधभक्त थोड़ी है जो मोदी को वोट देंगे। हाँ हम तो भाई अंधभक्त हैं, हम तो देंगे, हम तो 14 में भी अंधभक्त थे, 19 में भी अंधभक्त थे, 24 में भी अंधभक्त रहेंगे, हम तो 29 में भी देंगे, 34 में भी देंगे, 39 में भी देंगे। मोदी के बाद चेहरा नहीं मिलेगा आपके पास। हम तो बाबा जी है ना हमारे, बाबा जी आ जाएंगे, बाबा जी आएंगे ना, बाबा जी कहे परेशान है। गाय वाला भागे, गाय वाला होगा वो करे बाद, गाय वाला आएगा, घबराओ मत, बाबा जी है हमारे। अब आपको क्यों लग रहा है कि मोदी भक्त क्यों? भैया मोदी ने अच्छा कर रहा है इसलिए हमारे लिए अच्छा कर रहा है, तो हम तो भैया मोदी वाले हैं, हम तो मोदी के बाद कौन है उसके बाद? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कह रहे हैं, भैया रुक जाइए, कह रहे हैं ये डर, अरे रुक जाइए भैया, रुक जाइए, चेहरा नहीं हमें नहीं है, ये कह रहे हैं कि डर गए हैं इस वजह से अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलाई जा रही है। इसमें बुराई क्या है बताओ ना, इसमें बुराई क्या है? यदि यदि 100-200 अरब बच रहा है, ये बुराई क्या है इसमें? अच्छी बात होना चाहिए, एक बार में हर महीने चुनाव होता क्यों होगा? इस बार कुछ भी कर लो लेकिन सरकार नहीं आने वाली है, मोदी सरकार ही आने वाली है, जो हारने वाले होते ना वो जाना ज्यादा शोर मचाते हैं। दुकान जो राहुल गांधी ने खोली ना, ये सारी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी और मोदी प्रचंड बहुमत से 405 सीट से प्रचंड बहुमत से जीतेगा, मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा। ये चूहे बिल्ली जितने इकट्ठे हुए ना, जितने चूहे बिल्ली, एक दिन शेर आएगा जंगल का और वो 405 सीट जीत के ले आएगा, मोदी को कोई हरा नहीं सकता। कुछ भी कर लो 100 से ज्यादा सीटें पार नहीं कर पाएंगे मोदी। अरे ये झूठ बोलते हैं, ये 19 में भी ऐसा बोल रहे थे, 14 में भी ऐसा बोल रहे थे, जीतेगा तो मोदी।